दोस्तों, फ्रांस ने एक समय पर पृथ्वी के 8.6 हिस्से पर शासन किया था और इसी वजह से दुनिया के 26 देश फ्रांस से आजाद होने पर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। एक देश जहां की कुल आबादी तो 6,70,00,000 है, पर हर साल यहां 7 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। दोस्तों, आज हम फ्रांस देश के बारे में बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। फ्रांस का ऑफिशियल नेम फ्रेंच रिपब्लिक है और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करी जाए तो यह 6,43,801 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। दोस्तों, साल 2015 में लगभग 8.5 करोड़ लोग यहां पर सिर्फ घूमने आए और तभी से ये देश सबसे ज्यादा पर्यटकों द्वारा पसंद करा जाने वाला देश बन गया। दोस्तों, फ्रेंच भाषा में आप जैतेमे बोलकर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। दोस्तों, फ्रांस में लगभग 44% लोग भगवान से ज्यादा शैतान या फिर किसी पर भी यकीन नहीं रखते। ये तो हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, 1892 से फ्रांस की महिलाओं ने सिर्फ पैंट पहनने के लिए लगभग 200 सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी। उससे पहले अगर फ्रांस में कोई महिला पैंट पहनती तो उसे जेल में डाल दिया जाता, लेकिन आखिरकार साल 2012 में फ्रांस की महिलाओं को पैंट पहनने की आज़ादी मिल ही गई। दोस्तों, फ्रांस में मर्द हो या औरत मरे हुए व्यक्ति से शादी कर लेते हैं और इसे वहाँ की सरकार गैरकानूनी भी नहीं मानती। दोस्तों, फ्रांस में जीवन साथी का साथ निभाने के लिए नहीं बल्कि प्रॉपर्टी समेटने के लिए उसे मनाते हैं, ताकि मरने के बाद कहीं सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास ना चली जाए। दोस्तों, जैसे भारत के 2 टाइम ज़ोन हैं और पाकिस्तान का 1 है, तो वहीं फ्रांस दुनिया का एक ऐसा देश है जहां 12 टाइम ज़ोन एक ही समय पर काम करते हैं, यानी फ्रांस में एक ही समय पर 12 अलग अलग टाइम होते हैं। दोस्तों, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है और हैरानी की बात तो ये है कि फ्रांस से ज्यादा फ्रेंच अफ्रीका के देश में इस्तेमाल होती है, जहां फ्रांस का एक समय पर शासन रहा था। पैसे के रूप में फ्रांस में यूरो चलता है और 1 यूरो भारतीय रुपए में 90 रुपए के बराबर है। दोस्तों, ब्रेल लिपि की शुरुआत फ्रांस में ही हुई थी, जिसे लुईस ब्रेल ने बनाया था, जो खुद भी बचपन से नहीं देख सकते थे और आज इस लिपि के जरिए अंधे लोग भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी दुनिया का सबसे मशहूर शहर पेरिस है और यह फ्रांस का सबसे बड़ा शहर है, जिसमें लगभग 21,40,000 लोग रहते हैं। दोस्तों, आज का पेरिस कई शताब्दी पहले पेरिस नहीं था। रोमन शासन के दौरान जब इस शहर की नींव रखी गई थी तो इसका नाम लुटेशिया था। सन 1852 में इस सिटी को पेरिस का नाम दिया गया था। दोस्तों, यही तो वो शहर है जिसे सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा रहने के लिहाज से महंगा शहर कहा जाता है। दोस्तों, फ्रांस दुनिया का एक ऐसा देश है जहां मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ सेक्स सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, ताकि लड़के लड़कियों को आगे चलकर परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए फ्रांस के लगभग हर हाई स्कूल में कॉन्डम वेंडिंग मशीन लगाई जा चुकी है। दोस्तों, अगर आप वयस्क हैं तो आपने कॉन्डम पहना या देखा जरूर होगा, पर भाई फ्रांस के लोग कॉन्डम में रहते हैं। दरअसल फ्रांस में एक शहर का नाम ही कॉन्डम है यार। इतना ही नहीं दोस्तों, पुशी शब्द का मतलब तो आप समझते ही होंगे, पर मेरे भाई फ्रांस में पुशी नाम का एक गांव है जिसमें 410 लोग रहते हैं और ये पुशी 18 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको फ्रांस की ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से भरपूर वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।